अब बोलिए। दुनिया का कहीं पे भी कोने में जाओ फोन ही नहीं लगता, कोई घर वाले दुआ करने के लिए फोन भी करवा रहे तो हो ही नहीं पा रहा है, कब से हेलो हेलो करके ही फोन कट जा रहा है। कहां कहां दरगाह में आपने फोन ट्राई करा? सामने कोने में हर जगह, सामने ही नहीं आवाज आ रही है, वीडियो कॉल पे भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, नॉर्मल कॉल ही नहीं लग रहा तो वीडियो कॉल कहां से? क्या इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है या कॉलिंग के अंदर प्रॉब्लम? कॉलिंग में भी और व्हाट्सएप कॉलिंग कोई भी नहीं लग रहा। कहां से आया? हम लोग तो बॉम्बे से आए। आपका नाम बताइए। महक शेख। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आने वाले जायरीन यहां पर मोबाइल के नेटवर्क से बड़ी परेशानियों का सामना महीनों से करते आ रहे हैं। दरगाह कमेटी को ये चाहिए कि दोनों अंजुमन से मिलकर के बातचीत करके इस परेशानी को दूर करें ताकि जायरीनों की परेशानियां दूर हो। जायरीन यहां पर आपस में रिश्तेदार जो आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएँ आती हैं, और मोबाइल का नेटवर्क नहीं लगने की वजह से वो बिछड़ जाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दरगाह कमेटी को इस परेशानी को भी दूर कर देनी चाहिए कि ज़ायरीनों की तकलीफ दूर हो। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से अंजुमन सैयद ज़ादगान जुड़ी है, सैयद अपना शेख ज़ादगान जुड़ी है अंजुमन, तो इनसे सहमति और सहयोग की जहाँ तक बात है तो वो तैयार रहते हैं हमेशा, और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आने वाले ज़ायरीनों के इंतज़ाम के लिए आगे से आगे कदम बढ़ाया जाता है। तो दरगाह कमेटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अंजुमन, दोनों अंजुमन से बातचीत करके इस परेशानी का मसला हल करें। दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सकी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क पूरे दरगाह के अंदर, चाहे किसी कोने पर जाइए आप, ना व्हाट्सअप कॉलिंग हो रही है, ना नेटवर्क हो रहा है, ना वाईफाई कहीं से भी कोई कनेक्टेड नहीं है, बात वॉइस कॉल भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, और मैंने कई बार लगाने की कोशिश की, मैं आपके सामने भी एक बार लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, और आप लोग इसका गवर्नमेंट से बोलिए या कंपनी से बोलिए कि, और ख्वाजा में दरगाह में कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है नेटवर्क की? मैंने चारे कोनों पर, वह बाहर जैसी गेट के अंदर एंट्री किया वहाँ से भी हमें नेटवर्क नहीं आ रही है। अभी दरगाह के अंदर बिल्कुल, ख्वाजा में चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हम खड़े हैं, यहाँ भी समस्याएं हो रही हैं। कहाँ से आना हो और कितने लोग हैं? मैं बिहार से आया हूँ, मैं चार लोग हूँ। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजमल हुसैन है। बताइए नेटवर्क को लेके क्या तरीके की परेशानी चल रही है? यहाँ दरबार गई नवाज के अंदर हर तरीके का आदमी आता है, हर मजहब मिल्लत से आता है और हर जगह से आता है। यहाँ पर लोग आते हैं, परेशान होते हैं, उनसे बात नहीं हो पाती नेटवर्क की वजह से। यहाँ हर कोई चाहता है यहाँ के हाजिर दे ज़ियारत करे, जो लोग नहीं आ पाते, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर दरगाह कमेटी जगह जगह चाहे पेटियाँ लगा रखी हैं, वैसे नेटवर्क बूस्टर ही लगाए जाए वहाँ पर, ताकि जो नेटवर्क प्रॉब्लम परेशानी है आने ज़ायरीन है उन्हें डोनेशन बेच सब कुछ बेचता हूँ यहाँ पर करना चाहिए। दरगाह कमेटी को चाहिए कि वो सहयोग मांगे, आदमियों से भी कमेटी है अंजुमन सैयद ज़ादगान अंजुमन शेख ज़ादगान सहयोग करें, और यहाँ पर नेटवर्क नहीं लगा पा रहे हैं तो नेटवर्क बूस्टर लगाए जाएँ जिससे आने ज़ायरीन को परेशानी हो। यहाँ पर जो मजहब मिल्लत के लोग आते हैं, यहाँ हर लोग जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से, 95% लोग सोशल मीडिया पर ज्वाइंट है आजकल, तो लोगों को चाहिए तो आप ज्वाइंट रहें। आपका नाम बताइए। सैयद मोहम्मद फहीम चिश्ती।